का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यमुना घाटी के निचले और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। बारिश के बाद 6 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़का है और बारिश की वजह से पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला भी जारी है। पिछले 15 घंटों से बड़कोट में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर लगातार बारिश होने के बाद परेशानी बढ़ती जा रही है और बड़कोट में पिछले 15 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएं, उत्तरकाशी में भी देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और जल्द यहां पर बर्फबारी का दौर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बर्फबारी भी हो सकती है। उत्तरकाशी में भी लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी का भी अनुमान है, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं रानी पोखरी के जाखन नदी पर टूटे पुल को लेकर अब प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। पुल टूटने के मामले पर आप कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। आप कार्यकर्ताओं ने मंत्री सतपाल महाराज के आवास का कूच किया, मगर पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो टूटे हुए पुल पर अब पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जमकर नारेबाजी की गई, सतपाल महाराज के खिलाफ नारेबाजी हुई। 5 साल में इस प्रदेश में 32 पुल धराशायी हो गए और सैकड़ों पुल जर्जर हैं, जिस पर जनता के जान के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। अब जनता पुल के ऊपर से गुजरने में डर लग रहा है जनता को। जनता ये जानना चाहती है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने तो नहीं बनाए पुल, तो अपने जान के साथ सुरक्षा चाहती है। आपने देखा होगा रानी पोखरी का पुल जो भरभरा के गिर गया, जिसके लिए पिछले साल 2020 में दिसंबर में 40 लाख रुपए उसके मेंटेनेंस के लिए सरकार ने खर्च किया, लेकिन वो पैसा कहाँ गया। वही चुनाव करीब आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच रही है। देहरादून पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, सुनते हैं। बिजली बिना ना तो डिफेंस काम कर सकता है, आप निजी हाथों में दे रहे हो ट्रांसमिशन लाइन्स को, और कौन खरीदेगा? 2-3 लोग है जिनका नाम पूरा देश जानता है, पूरे देश के हर कोने में हर बच्चे को पता है कि जब हवाई अड्डे बिकेंगे तो कौन खरीदेगा, पोर्ट बिकेंगे तो कौन खरीदेगा, ट्रांसमिशन लाइनें बिकेगी तो कौन खरीदेगा। ये सरकार केंद्र की संपत्तियों को बेच रही, राज्य की सरकार राज्य की संपत्तियों को बेच रही। अभी मैं अगर बात करूं तो श्रीनगर बस अड्डे को प्राइवेट हाथों में देकर उसको भी बेचने का काम शुरू है। तो हर स्तर पर जो बस अड्डा है, श्रीनगर का हो या देहरादून का हो, उन बस अड्डों को बेचने की बात चल रही है। सरकार हर चीज बेचने में लगी हुई है, केंद्र की सरकार हो राज्य की सरकार।